सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपके इंट्राडे गाइड पे। मैं हूं आपका दोस्त शिवांज वसीन। तो आज हम बात करेंगे कि 16 मई को आज कर्नाटका के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करके चलना है, कैसे लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, तो कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो आज सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स, डाटा पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिराइव करेंगे आने वाले कुछ टाइम के अंदर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप शेयर मार्केट में अपना आगे एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ डाटा पॉइंट्स पता होने चाहिए जो कि आप डे टू डे उन्हें पढ़ा करिए, जिसकी वजह से आप खुद पता लगा पाएंगे कि हाँ अब ये मार्केट में ये रिएक्शन होने वाला है, हाँ अब सेंटिमेंट्स बदलने वाले हैं। तो वो सारे डाटा पॉइंट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम पहले बात करें कि आज का मार्केट का सेशन कैसा रहा, तो हमने देखा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी, मैंने आपको जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर जो बीजेपी है अगर पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाती है, मतलब पूरी मेजोरिटी सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है कर्नाटका के अंदर, वरना हम कह सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था 112 के ऊपर अगर उसे सीटें मिलती हैं तो मार्केट बहुत ऊपर की तरफ हाई बना सकता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो मैंने आपको सेल साइड दिया था, जो भी नेगेटिव फैक्टर जो मैं आपके साथ शेयर करे थे, वो सारे नेगेटिव फैक्टर्स को वो ऑब्जर्व कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और हम और ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर हुआ बिल्कुल वैसा नहीं। हमने देखा था कि जो कर्नाटका के इलेक्शन थे, जो पोलिंग आ रही थी वो 115 के ऊपर गई, मार्केट जो बैंक निफ्टी है 500 पॉइंट्स ऊपर की तरफ रैली दे दी और निफ्टी जैसा कि मैंने बताया था कि 10,950 के आसपास चला गया था। पर जिस तरीके से हमने देखा कि वो मेजॉरिटी लेवल से नीचे आई जा रही थी और कांग्रेस जो 60 के आसपास थी वो 78 के पास आ गई, और अगर हम दोनों का सम करें, यानी हम जेडीएस का सम करें और अगर हम कांग्रेस का सम करें, तो वो बहुमत यानी मेजॉरिटी के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से हम कह सकते थे कि हम एक दोनों के बीच में अगर हम टाइप देख लेते तो बीजेपी के लिए एक टाइप का खतरा बन सकता था। तो जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मार्केट ने एक शार्प करेक्शन दिया, और अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी कम से कम 600 पॉइंट्स तक की डिक्लाइन दिखाई, और निफ्टी की बात करें तो 200 पॉइंट्स तक की डिक्लाइन निफ्टी ने भी दिखा दी थी। और जो अब मैं आपको कुछ ऐसे डाटा पॉइंट्स बताने वाला हूं जो मार्केट को इस हफ्ते डेराइव कर सकते हैं और कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ज़रूरी डेराइव करेंगे। एशियन, अगर हम बाहर के मार्केट्स की बात करें, एशियन मार्केट, यूरोप मार्केट और यूएस मार्केट, तो ये तीन मार्केट हैं जिसकी वजह से हमारी मार्केट डेराइव हो सकती है, उसके बेसिस में हमारी मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है। तो अगर हम तीनों मार्केट की बात करें तो तीनों मार्केट लोअर हैं। अगर हम हैंगसेंग, फिटसी, डैक्स और अगर हम डाउ जोन्स की बात करें, तो ये सारे जो सेक्टर इंडाइसेज हैं, ये सारे इंडाइसेज अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी मार्केट भी अंडर परफॉर्म कर सकती है। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में ही सबसे ज़्यादा हम भरोसा रखते हैं कि यूएस जिस तरीके से मूव करता है उसी तरीके से हमारी मार्केट भी मूव करती है। तो अगर हम यूएस की बात करें तो उसका जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है वो हर दिन 52 वीक हाई बना रहा है, तो वो एक मार्केट के लिए हम कह सकते हैं चिंता की बात है। अगर हम अपने खुद के इंडियन बॉन्ड यील्ड्स की बात करें, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स है उसने भी 52 वीक हाई बना दिया है और अब उसके पास ही ट्रेड कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ दो तीन दिन से, जो ट्रेडिंग सेशन से मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि बॉन्ड यील्ड्स में ज़रूर ध्यान रख के चलिए, और बॉन्ड यील्ड्स जो ऊपर के लेवल्स बना रहे हैं हम देख सकते हैं कि वो मार्केट को और नीचे लेकर जा सकती है। और अभी मैंने अपने वेबसाइट के अंदर अपलोड भी करा था, जो अगर आप लोगों ने रीड करा उसमें, कि जो RBI है वो जो रेट इंटरेस्ट रेट्स हैं वो और इंक्रीज कर सकती है इस साल के अंदर, कम से कम 2 या 3 इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकती है, तो वो एक मार्केट के लिए चिंता वाली बात है।
तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी मार्केट जब क्लोज हुई तो ट्रेड डिफिशिट का आंकड़ा भी आया, अगर हम बात करें डाटा आया तो ट्रेड डिफिसिट का जो डाटा आया है वो बढ़ गया है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ चुका है। एक साल के अंदर की हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो कि ट्रेड डिफिसिट यहाँ से एक साल पहले मार्च के हिसाब से अगर हम बात करें तो 105.72 बिलियंस था, और अब यहाँ से बढ़ के 156.8 बिलियन हो चुका है। तो ये मार्केट के लिए एक और चिंता वाली बात है कि ट्रेड डेफिशिएट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वो हमारी मार्केट को और लोअर लेवल्स दिखा सकता है। अगर हम रुपी की बात करें तो जो हमारी रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रही है, अगर हम बात करें तो 68 के ऊपर निकल गई है और उसके ऊपर ट्रेड कर रही है। और ब्रेंट ऑयल की बात करें तो वो भी 78 के ऊपर निकल के ट्रेड कर रहा है। तो ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो मार्केट को सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मार्केट को शॉर्ट करने की ही सलाह दी जाएगी। पर मार्केट के चार्ट्स की बात करें तो कुछ ऐसे स्ट्रांग सपोर्ट बन चुके हैं जिसकी वजह से मार्केट नीचे जाना पसंद नहीं कर रही है। और इन जो फैक्टर्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो मैं आपको बताया जा रहा हूँ, तो वो फैक्टर्स को वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है जब भी वो अपने स्ट्रांग सपोर्ट की तरफ बढ़ती है। तो अगर हम बात करें तो कौन से स्टॉक्स जो मैंने आपको सजेस्ट करे थे आज की मार्केट के लिए, एशियन पेंट्स, HUL, PFC को सेल करने की सलाह दी थी, इम्फेसिस को मैंने सेल करने की सलाह दी थी, और इंडिको और HUL और एशियन पेंट्स को बाय करने की सलाह दी थी। तो हमने देखा कि सब के सब यानी कि पांच में से चार स्टॉक्स के टारगेट्स हमें इजिली अचीव होते हुए दिख गए। और आप ये नहीं कह सकते कि तुरंत हमें टारगेट्स अचीव हो गए जब मार्केट ओपन हुआ, बहुत स्लोली स्लोली उन लोगों ने मूव करा और हमने टारगेट्स अचीव होते हुए देखे। अगर हम एक स्टॉक की बात करें जिन्होंने बिल्कुल उल्टा रिएक्शन दिया वो इंफेसिस था, जिसको मैंने आपको शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मैं आपसे फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं कर सकता ना मैं आपसे कॉल में इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक वेबसाइट बनाई हुई आप सब लोगों के लिए, अगर आप डेली वॉच करते हो उसे, तो मैंने कल जब ये वीडियो बनाई थी तो उसके मतलब आप समझ सकते हैं मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने वहां पर अपलोड कर दिया था इंफोसिस के ऊपर, क्योंकि वहां पर एक ब्लॉक डील हुई थी जिसके चलते हमने इंफोसिस को ऊपर के लेवल्स बनते हुए देखे होंगे। अगर आप वो वेबसाइट विजिट करते होंगे और रीड उसे करते होंगे हमेशा, तो आपने वो जो मैंने ब्लॉग बनाया था, जो मैंने वो न्यूज़ उसमें अपलोड करी थी, वो आपने ज़रूर पढ़ी होगी इंफोसिस के ऊपर। और आपने इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेने के बदले बाइंग अपॉर्चुनिटी ली होगी और आप इसमें प्रॉफिटेबल रहे होंगे। तो अगर आपको पता होता है जो मैं आपको स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ उसके लिए कोई न्यूज़ आ जाती है बाद में, तो वो मैं ज़रूर वेबसाइट पर अपलोड करता हूँ। तो आप एक बार मार्केट ओपन होने से पहले वहाँ पर ज़रूर विजिट करा करिए, और मैं बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करता हूँ जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को डेराइव कर सकती है, तो वहाँ विजिट ज़रूर करा करिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। कल के लिए कौन से स्टॉक्स अहम हो सकते हैं उसकी हम बात करते हैं, तो हिंडाल्को, ल्यूपिन, टाटा ग्लोबल, BEL, रिलायंस कैपिटल। तो आप ये पांच स्टॉक्स देखकर ही समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर सारे के सारे सेल शॉर्ट्स ही चुने हैं आपके लिए, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मार्केट एक सपोर्ट ले चुकी है, वहां से मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है। मार्केट निफ्टी की अगर हम स्पेशली बात करें तो मैं आपको एक रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ कि आपको मैं सारे स्टॉक्स सेल करने की ही सलाह दे रहा हूँ, जो मैं आपको पांच स्टॉक्स दे रहा हूँ। तो आपको सेल करना है हिंडालको को, आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 249 का मेंटेन करना है, टारगेट आपको 241-238 तक के मिल सकते हैं। ल्यूपिन की बात करें सेल करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, 744-733 तक के टारगेट्स आपको अचीव हो सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 760 का लगा के चलना चाहिए। टाटा ग्लोबल की बात करें तो सेल करने की सलाह दी जाएगी 236-232 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर 252 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। BEL की बात करें तो BEL को भी सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको 118-115 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 123.50 का लगा के चलना पड़ेगा। रिलायंस कैपिटल सेल करने की सलाह दी जाएगी 373-367 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 382 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को मैं आपको शॉर्ट करने की सलाह दूंगा, पर तब शॉर्ट करने की सलाह दूंगा जब ये अपने उस रेंज में वापस आ जाएगी जिससे इसने क्रॉस करके और ऊपर के लेवल्स दिखाए थे। वो रेंज मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि अभी भी बता देता हूँ, 10,785 का लेवल। अगर कंसिस्टेंटली निफ्टी 10,785 के नीचे जाती है तो आपको निफ्टी को शॉर्ट करके रखना पड़ेगा, और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है वो 10,780 का मेंटेन करके रखना है। और अगर निफ्टी बाय चांस क्लोजिंग दे देती है 10,780 के नीचे, तो हम कह सकते हैं वो उसी एक रेंज में अटक जाएगी वापस जिस रेंज से उसने अपने ऊपर के लेवल्स दिखाए थे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी को शॉर्ट करने की सलाह दे देगी, पर वो रेंज आपको ध्यान रखना है, तभी आपको शॉर्ट करना होगा।
पर अगर उस रेंज के आसपास से ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं और ऊपर के लेवल्स भी बन सकते हैं। बैंक निफ्टी शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी। अभी जो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो वो 26,475 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 26,420 के नीचे ट्रेड करता है तो आपको इसमें सेल अपॉर्चुनिटी बनानी है। 26,300 तक के टारगेट्स आपको अचीव हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 26,640 का लगा के चलना पड़ेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, जो भी मेरे जो व्यूअर्स थे वो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक्स में आपके लिए पोजिशनली 2 से 3 वीक्स के लिए आपके लिए मैंने स्टॉक सजेस्ट करे हुए हैं जो आप बाय कर सकते हैं आज के आज ही, जिससे आप 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही 15 से 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो ये इस वीडियो की आखिरी में आपको वहाँ शो कर जाएगा या ऊपर आई कार्ड में आपको वहाँ पर वीडियो शो कर जाएगी। और रेन इंडस्ट्रीज जिस तरीके से गिर रहा है, जिस तरीके से हमने देखा था जो मल्टीबैगर स्टॉक रेन इंडस्ट्रीज था 2017 का, उसमें हमने देखा था कि अब गिरावट आनी शुरू हो गई है और वो स्टॉक अपने शॉर्ट्स बनाए जा रहा है, तो उसमें क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस है वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और कर्नाटका इलेक्शन की पूरी एनालिसिस मैं आपके साथ लेकर आया हूँ उस वीडियो के अंदर भी, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है। तो ये कुछ खास वीडियोज़ हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जो मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकती है। तो ये 3 वीडियोज़ भी मैंने आई कार्ड में शेयर करके रखी हुई हैं और मैंने इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो इसी में शो कर जाएगी, आप उसे क्लिक करके ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको आज ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि मुझे प्रॉफिट हुआ है। और ऐसे कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जिन्हें सिर्फ उल्टा सीधा लिखना ही आता है मेरे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि आप मेरे वीडियोस को ना देखा करिए, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं उसके बाद आप बोलते हैं कि वीडियोस अपलोड ना करा करिए। तो आप खुद ही समझ जाइए कि आप खुद मेरी वीडियोस को देख के ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो सबसे पहले कमेंट बिल्कुल ना करा करिए उल्टे सीधे, और अगर आप कमेंट करते हैं कि मेरी वीडियोस को ना देखा करिए तो आप खुद भी मेरी वीडियोस को ना देखा करिए। तो ऐसे जो फालतू जो व्यूअर्स का हमेशा उल्टे सीधे कमेंट्स करते रहते हैं, जो अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, उन्हें मैं एक ही सलाह दूंगा, रिपोर्ट करने से अच्छा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मेरे चैनल से निकल जाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ जो भी स्टॉक मार्केट से अर्न कर सकते हैं। तो मैं शिवांश वसीन मिलता हूँ कल नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।